ब्रह्मपुर डाक्टर सुमित और पत्नी तपस्विनी पारिवारिक मामला आज जिला दोराजस कोर्टरू आसीपारे संरक्षित राय उभयों पिटिशन गत 37 तारीख में शुणी शेष हो 4 तारीख को कोर्ट संरक्षित रखी राय दुईट पिटिशन को नहीं शुणी होता प्रथम पिटिशन सुमित पक्ष दि जाइला द्वितीय पिटिशन तपस्विनी पक्ष पिटिशन शुणी होता फैमिली कोर्ट और एसडीजेएम कोर्ट में मामला विचाराधीन रही तपस्विनी और सुमित एकाठी रहा समीचीन नुहे सुमित वकिल पक्ष रखिले एथसहित एसडीजेएम गत 2 और 9 तारीख में दि जा राय को चैलेंज कर जिला दोराजस कोर्ट में पिटिशन दाखल करते सुमित वकिल गत 20 तारीख में एसडीजेएम राय को चैलेंज कर जिला दोराजस कोर्ट में तपस्विनी वकिल पिटिशन दाखल कले दुई पिटिशन गत 37 तारीख में शुणी सरी जा दुईट पक्षर मतामत को कोर्ट शुणी चूड़ा शुणी पर अपेक्षा रही ब्रह्मपुर रे डाक्टर सुमित और पत्नी तपस्विनी पारिवारिक मामलें आज संरक्षित राय प्रकाश पाइब घटना क्यों मोड़ नब दीर्घ दिन धरी आपण देखिंट माणवसा गुरुवार आरंभ कर नुआवर्ष सबकि धारण कर तपस्विनी एवं बसी रही निज हक अपरपक्ष सुमित को वकिल उपरस्थ कोर्ट में चैलेंज कर उभय अलग अलग पिटिशन दाखल करते संरक्षित राय आज आसब ए बाबद अधिक सूचना पीताम्बर नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि सीधासलख जोड़ी होती आम सहित पीताम्बर कौन सूचना रोचे देखो गत 27 तारीख में दुई पक्ष अर्थात गत 2 तारीख और 9 तारीख में माननीय एसडीजेएम कोर्ट जो राय देते चैलेंज कर जिला दोराजस कोर्ट में पिटिशन दाखल करते उभय सुमित वकिल कथा कहवा अंपटे 20 तारीख में 20 तारीख राय को चैलेंज कर जिला दोराजस कोर्ट में जो भाव में तपस्विनी वकिल पक्ष पिटिशन दाखल होता या कि गत 27 तारीख में जिला कोर्ट में उभयर शुणी हो जुक्ति हो सारी तो राय संरक्षित रखी जिला कोर्ट तो 4 तारीख समय देते 4 तारीख में राय जेहेतु आसब तो आज हुए तो से राय आसी पारे जो भाव आउ कौन जिला कोर्ट राय दे पारती कहीं आप जानते तपस्विनी वर्तमान धारणा से बस अंपटे शशुर घर लोक घर भितर को नापाई नाराज अच्छा बा जो भाव में स्वामी स्त्री मिसी पारे ना सुमित कहते तो यही घटन वर्तमान कौन राय आसब से राय उपरे समस्त नजर रही से राय को समस्त अपेक्षा कर बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पीताम्बर नाक आम रिपोर्टर अधिक सूचना दूसरे खबर बाबू।